यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज ट्यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्य खंड का 10वां पाठ, बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि हैं नागार्जुन। और ये इस पाठ का 5वां पाठ है। अगर आपने पिछला 4 पाठ नहीं देखा तो आप उन्हें जरूर देखें हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें पद्यांश को। शत शत निर्झर निर्झरिणी कल मुखरित दिवतारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गले में कानों में कुवले लटकाए शतदल रक्त कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षा सब पुरीत रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिराड़ूं आँखों वाले उन उन्मत किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। तो हमेशा की तरह बात करते हैं सबसे पहले संदर्भ की। संदर्भ में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की काव्य खंड में संकलित बादल को घिरते देखा है कविता से लिया गया है, और यह कवि नागार्जुन द्वारा रचित काव्य संग्रह प्यासी पथराई आंखें से लिया गया है। प्यासी पथराई आंखें से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किन्नर प्रदेश की शोभा तथा किन्नरों पर वर्षा ऋतु के प्रभाव का चित्रण किया है, और इसके साथ ही उन्होंने संपन्न वर्ग की विलासिता पर भी व्यंग किया है। अब बात करते हैं व्याख्या की, तभी आप प्रसंग और व्याख्या दोनों ही बहुत अच्छे से समझेंगे। देखते हैं व्याख्या। ठीक है, तो देखिए कविवर नागार्जुन कहते हैं कि शत शत निर्झर निर्झरिणी कल मुखरित देवतारु कानन में, कानन अर्थात वन में, तो वर्षा ऋतु के आने पर आकाश के चारों ओर बादल छा जाते हैं, जिससे किन्नर प्रदेश की शोभा की वृद्धि हो जाती है, और सैकड़ों शत शत अर्थात सैकड़ों, और निर्झर अर्थात झरना, और निर्झरिणी अर्थात छोटा झरना, ठीक है, कल अर्थात सुंदर, ठीक है, मुखरित अर्थात गुंजित, देवदारु कानन अर्थात देवदार के, कानन अर्थात वन होता है, तो देवदारु के जो वन होते हैं, वन में शोणित धवल, शोणित धवल अर्थात सफेद होता है, और शणित अर्थात लाल, तो लाल और सफेद, तो सैकड़ों झरनों और सरिताओं के बहने से उत्पन्न कल अर्थात कलकल की कर्ण प्रिय ध्वनि देवदारु कानन में अर्थात देवदारुओं के वनों को मुखरित अर्थात गुंजित कर देती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और इन देवदार के वनों में शोणित धवल अर्थात लाल और सफेद भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर अर्थात कुटी के अंदर किन्नर और किन्नरियों के जोड़े विलास में क्रीड़ा में मग्न हो जाते हैं, और ये जोड़े अनेक रंगों वाले, रंग बिरंगे अर्थात अनेक रंगों वाले और सुगंधित फूलों से अपने कुंतल अर्थात केश या बाल, अपने बालों को सजाए रखते हैं। सुगंधित फूलों से कुंतल साजे अर्थात रंग बिरंगे अर्थात अनेक रंगों वाले और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए रखते हैं। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गले में कानों में कुबले लटकाए शतदल रक्त कमल वेणी में। देखिए इंद्रनील अर्थात नीलम नामक एक रत्न होता है, आपने सुना होगा नीलम, तो इंद्रनील अर्थात नीलम, ठीक है, तो उनके शंख के समान
सुघर गले में, सुघर अर्थात सुंदर, और सुडौल गले में इंद्रनील की मणि अर्थात नीलम की माला सुशोभित हो रही हैं। कानों में कुबले लटकाए शतदल रक्त कमल वेणी में, और उनके कानों में शतदल अर्थात कमल अर्थात 100 पंखड़ियों वाला रक्त कमल अर्थात लाल कमल। शतदल, शत अर्थात 100 होता है, और दल अर्थात पंखड़ियों वाला, और रक्त अर्थात लाल, रक्त लाल होता है ना, तो 100 पंखड़ियों वाला लाल कमल और कुवलय, कुवलय अर्थात नील कमल, तो नील कमलों के कानों में कर्णफूल, तो नील कमल के कर्णफूल, और वेणी में अर्थात चोटियों में 100 पंखड़ियों वाला लाल कमल के फूल शोभायमान है। रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने मोहित लोहित चंदन की त्रिपदी पर। अब ये जो किन्नर होते हैं, किन्नर किन्नरी, जिस पात्र से शराब पीते हैं, वह पात्र चांदी, रजत अर्थात चांदी, तो चांदी के बने हुए होते हैं, तथा उसमें कलात्मक ढंग से मणि खचित अर्थात मणियों से जड़ी रहती हैं। तो जो पात्र वो किसके होते हैं, चांदी के होते हैं, और उन चांदियों के पात्र में कला में अर्थात कलात्मक ढंग से मणियाँ जड़ी होती हैं, मणियाँ जड़ी रहती हैं। पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने। अब देखिए, पान पात्र अर्थात मदिरा पीने का बर्तन, और द्राक्षा सब अर्थात अंगूरों से बनी शराब, और पूरित अर्थात पूरा भरा हुआ, रखे सामने अपने अपने, और उन पात्रों को वे द्राक्षा सब अर्थात अंगूरों से बनी शराब से भरकर अपने अपने सामने लोहित चंदन की त्रिपदी पर अर्थात लोहित चंदन अर्थात लाल चंदन की त्रिपदी अर्थात तिपाई पर रखे अर्थात रख लेते हैं। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरारुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, और वे नरम अर्थात कोमल, निदाग अर्थात दाग रहित, और स्वच्छ बालों वाली कस्तूरी मृग छालों अर्थात कस्तूरी मृग की छाल पर पलथी मारे अर्थात पलथी लगाए हुए बैठे हैं, और उसके बाद वे मदिरा पान करते हैं। मदिरारुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। अब देखिए, उन मत वाले किन्नर किन्नरियों की आँखें उन मदिरापन, मदिरापान के कारण उनकी आँखें लाल हो जाती हैं। कैसी हो जाती है? लाल हो जाती हैं, और वे उन्मद अर्थात मदमस्त होकर अपनी मृदुल अर्थात कोमल और मनोरम अर्थात सुंदर अंगुलियों अर्थात उंगलियों को बंशी पर अर्थात बांसुरी पर फिराते हुए मधुर संगीत में तान छेड़ देते हैं। कवि कहता है कि बादलों को घिरने पर किन्नर और किन्नरियों की इन विलासमयी क्रीड़ाओं को मैंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से फिरते देखा है। तो ये थे पांचवें पद्यांश की व्याख्या, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। भाषा इसमें खड़ी बोली भाषा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गुण। गुण इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है छंद। छंद इसमें तुकांतमुख छंद है। ठीक है, चौथा पॉइंट है रस। रस देखिए, इसमें श्रृंगार रस है, क्योंकि जो किन्नर जिस प्रकार से श्रृंगार कर रही है उसी से आपको पता चल जाएगा ये इसमें श्रृंगार रस है। पांचवा पॉइंट है अलंकार। देखिए यहाँ पर निर्झर, निर्झरिणी, इसमें न वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। रंग बिरंगे, इसमें र और
ग वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, रजत रचित इसमें र वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ पर अपने अपने एक ही शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, पुनरावृत्ति हो रही है एक ही शब्द की, जिसके कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर शंख सरीखे सुधर गले में, तो यहाँ पर जो शंख जैसी गर्दन, शंख जैसी सुंदर गर्दन की बात हो रही है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि तो गर्दन की किससे तुलना की गई है, शंख से, उपमा अर्थात किसी से तुलना करना। ठीक है, तो यहाँ पर शंख सरीखे सुघर गले में, तो शंख जैसे सुंदर गले में, ठीक है ना, शंख जैसे सुंदर गले में, तो गले की तुलना किससे की गई है, शंख से, जिसके लिए यहाँ पर एक और अलंकार है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसमें तीन अलंकार है, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास। रस इसमें श्रृंगार रस है, छंद तुकांतमुक्त है, गुण माधुर्य है, भाषा खड़ी बोली। तो ये थे काव्यगत सौंदर्य, व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ। होप आपको पांचवें छंद की, पांचवें पद्यांश की व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।